वेलकम बैक टू टीचर चैनल जूनियर। तो आप सभी का एक डाउट क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर बेसिकली पार्शियल ड्रॉपर के अंदर आपका एक कैटेगरी आता है एंड उसका जो है SBMC में स्कॉलरशिप करने के टाइम पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसका ही बारे में डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते। तो देखो मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आ रहा था इसका रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ यूट्यूब पर ही क्यों ना शेयर कर देते। तो एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर कर देते कि पार्शियल ड्रॉपर के अंदर आपका कौन सा कैटेगरी को लेकर यहाँ पर डिटेल्स में शेयर करेंगे। कि समझो आपने HS तो क्वालिफाई कर लिया एंड HS क्वालिफाई करने के साथ साथ आपने करेंट ईयर में कोई एक कॉलेज पर एडमिशन ले लिया एंड इसके साथ साथ आप जो है कोई अदर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो एंड फिर जाके आप नेक्स्ट ईयर में वो एग्जाम आपने क्रैक कर लिया एंड आप जो है कॉलेज भी चेंज कर लिया एंड करेंट ईयर में आप जो कॉलेज पर एडमिशन लिया था वो कॉलेज पर आपको जो है SBMCM भी मिल गया है। तो फिर जाके आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे फ्रेश अप्लाई कर सकते हो, यही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही कैटेगरी को सिर्फ यहाँ पर बताएंगे। अदर्स जो स्टूडेंट्स आपका कोई भी स्कॉलरशिप जो है ईयर गैप में अगर अप्लाई नहीं करते, मतलब SBMCM स्कॉलरशिप अगर ईयर गैप में अप्लाई नहीं करते तो वो फुल आपका ड्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट होगा एंड उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप फ्रेश अप्लाई करने के लिए जाते हो तो फ्रेश अप्लाई करने के टाइम पर आपको शो कर देता है कि आपका ID डुप्लीकेट है, मतलब आपको UG1 में ऑलरेडी एक बार SBMCM स्कॉलरशिप मिल गया है एंड आप UG1 में दोबारा SBMCM स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकते हो, तो इसलिए आपका जो ओल्ड ID है उसको आपको कैंसिल करना होगा एंड कैंसिल करने के साथ साथ आपको फुल पेमेंट वापस करना होगा विकास भवन में जाकर। तो विकास भवन में जाने के बाद आपको वहाँ पर एप्लीकेशन करने के साथ साथ आपका ID कैंसिलेशन करने के साथ साथ आपको जो है फुल पेमेंट वापस कर देना है। तो वापस करने के बाद ही आप जो है फिर से फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हो एंड SBMCM स्कॉलरशिप आपको जो है नया करके मिलेगा एंड एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट आप फिर से फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डिटेल्स में मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको बाकी का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम रहने का बात नहीं है एंड अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी लेते हो एंड आपने समझो कि SBMCM स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया था करेंट ईयर में, तो फिर जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट फ्रेश करके अप्लाई कर सकते हो, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फिर जस्ट आपको जो है एक ईयर गैप सर्टिफिकेट, मतलब ईयर गैप डिक्लेरेशन देना होगा एंड उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आप सभी के साथ शेयर करूँगा उसका ही ऊपर आप जो है बेस करके जा सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय।